हे गाइस, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दिस व्लॉग। एंड कल अपना दो तीन चीज़ें हो गई थी, वो हिल स्टेशन एंड ऑल। उसके बाद में अभी मेरा प्लान था कि मंदिर जाते हैं, मंदिर में अपन दर्शन वगैरह करके फिर केव्स जाएंगे। तो अभी मेरा हो गया है पूरा, यहाँ से मैं मंदिर गया था। मंदिर में एक्चुअली फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, तो उधर पे कैमरा लेके नहीं जा सका। बट मैं अभी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दूँगा कैसा क्या दिखता है मंदिर। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे आया हूँ एलोरा केव्स में, एंड काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ पे। तो मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ मैं आपको उसका फ़ोटो उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूँगा यहाँ पे। सो जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो है देखने लायक है कैलाश लेनी करके। सो कैलाश लेनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है कुछ कारीगर आए थे यहाँ पे, जो धर्म प्रचार के लिए आए थे। उन लोगों ने यहाँ पे जो है एक रथ का आकार देके एक मंदिर बनाया है, जिसमें शिव जी, नंदी एंड रहने खाने का जगह। तो इस टाइप से ये पूरा रथ का आकार बनाया हुआ है। तो ये आप उसके सिनेमेटिक शॉट्स देखिए, और काफ़ी अच्छा है। मतलब ये पूरा जो एक वॉल्केनिक रॉक है उससे काट के बनाया हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ यू नो काफ़ी डिटेल वाला वर्क है। सो मैं जस्ट आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। चर प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजम् कपालिकाम् जटाकटाः सम्भ्रमप्रमन्मनिन्दनञ्जरिन्दिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरज्वलल्ललाटकट्टभावे किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिक्षरम् क्या हुआ ना कि मैं वहाँ से निकला, मैं 10 बजे निकल गया था, क्योंकि मैंने आज का दिन का फॉरकास्ट देखा था उधर पे, वेदर फॉरकास्ट, कि उधर पे बारिश होने वाली है। सो मैं सोचा जल्दी निकलते हैं, और मैंने कैमरा वगैरह सब माउंट किया, गाड़ी में पैनियर्स वगैरह लगाए और मैं निकल गया। एंड कैमरा जब मैंने निकल रहा था तब चालू था, और मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे में बैटरी नहीं है। सो मैं चालू किया, मैं जा रहा हूँ, और एक टाइम पे मतलब कैमरा बंद हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि वो लाइट वगैरह ना दिन में इतना दिखता नहीं है। सो अभी कैमरा तो बंद हो गया तो मेरे को पता ही नहीं चला। फिर मैं एक जगह चाय पीने रुका, मैं सोचा रिकॉर्डिंग देखते कैसा हुआ, और उधर देखा तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। मतलब यार यार ये चोट हो गया। तो फिर मैंने उसको पावर बैंक पे चार्जिंग पे लगाया था, तो वो पूरा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो मैं सोचा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो क्विक अपडेट, अभी 1:40 हो रहा है और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए। और क्योंकि एक्चुअली कैसा ना, बारिश का फॉरकास्ट देखा मैंने, तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी निकलते हैं 10 बजे तक, क्योंकि मेरे दर्शन हो गए थे एंड एलोरा केव्स भी मैं घूम चुका था, इसलिए मैं सोचा थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और ये क्या, अरे तो पपी है, शिट, बीच हाईवे में क्या कर रहा है ये। पागल आदमी किधर भाग रहा है, मत जाओ उधर।
भाई साहब क्या सही व्यू है मेरे सामने, वो शायद सामने एक लेक है और मेरे सामने का पूरा लैंडस्केप पहाड़ों से भरा है। हाय हाय क्या सही है, ये सब सह्याद्री रेंज है एंड सारे पहाड़ के साथ साथ प्लस पॉइंट है कि ऊपर काले बादल है। यार यहाँ पे तो टाइम लैप्स बनाना पड़ता है, पर क्या सही टाइम लैप्स आएगा, देखो ना सारे पहाड़ उसके ऊपर से ये काले बादल, आए हाय मज़ा आ जाएगा टाइम लैप्स में तो। बट किधर रखूँ, हाँ इधर रुक सकते ऐसे जी चाहे जिंदगी। औरंगाबाद की खाली सड़कें छोड़ के भाई तुम्हारे पहुंच चुके हैं ट्रैफिक से भरे इलाके में जिसका नाम है मुंबई। मुंबई से मुझे अलग ही प्यार है यार, मतलब भले इधर ट्रैफिक हो, गर्मी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता नहीं इस शहर से बहुत ज़्यादा लगाव है। एक एक मेरा भोपाल है, मतलब भोपाल जैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी, और एक मुंबई है, मतलब दोनों ही अपनी जगह कम्प्लीटली यूनिक है। मतलब जितना प्यार मैं भोपाल से करता हूँ उतना ही प्यार मैं मुंबई से करता हूँ, मतलब क्या जगह है यार। तो क्विक अपडेट, अभी 8:30 हो रखे हैं एंड मुझे अभी मैं थाने के आसपास हूँ, मतलब थाने पहुँचा नहीं हूँ, यहाँ से थाने अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा है और वहाँ से मेरा घर आधा घंटा और, सो एक घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। सो अभी ट्रैफिक है, अभी कुछ कह नहीं सकते, 1-2 घंटा हो सकता है, लेकिन ठीक है चलेगा। तो अभी तो पूरा ट्रैफिक वगैरह है, तो मैं आप लोग को घर पे मिलता हूँ, ठीक है, बैठ के बात करते हैं आराम से। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द राइड, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा घर पे आने के बाद, बिकॉज यू नो मतलब आप वो अपने कम्फर्ट जोन में आ जाते हो। सो टोटल किलोमीटर्स मैंने अभी देखे ट्रिप के, तो इट्स 685 किलोमीटर, इट्स माई फर्स्ट लॉन्ग राइड, लॉन्गेस्ट राइड एक्चुअली। सो इसके पहले मैं ऐसा 600 किलोमीटर कभी नहीं किया, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स। सो मज़ा आया, थोड़ा टफ था बिकॉज यहाँ से ग्रीष्मेश्वर औरंगाबाद इज लाइक 7 to 7.5 hours ऑफ जर्नी एंड मज़ा आया गाड़ी चलाने में। Uploading my first YouTube video and it's a great feeling, you know. मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि 9-to-5 जॉब, मतलब हाँ कि चीज़ें करने के लिए मुझे पैसे चाहिए और वो पैसे मुझे मेरी जॉब देगी, बट स्टिल यू शुड हैव सम यू नो अदर बिजनेस कि आपको जैसे जो भी आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए। सो आई लाइक राइडिंग एक्चुअली, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग when you complete a ride without any hassle, so it's nice. And thank you everyone who is watching this video. So please like, share and subscribe my YouTube channel Rudra Vlogs. So please comment on it, how was it, kaisa laga aapko, kahan meri galtiyan hain wo bhi mujhe bataiye. Thank you so much for watching. Sala ye to